इसको देख के क्या जैसा लग रहा है। देखो ये देखो किसी की मतलब पैंट बड़ी है, 2004 था, पूरी खूनम खून है गाइस, ये लिटरली मतलब खत्म हो चुकी है यार। और मुझे लगता है पता नहीं कोई बचा होगा इसके अंदर, लिटरली बता रहा हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, शुरू कर रहे हैं नए ब्लॉग। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बहुत ही जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। और आपको पता ही है पापा गए हुए, शेंगी भी गए हुए, तो सारे जो पापा के काम होते थे सुबह सुबह के आप मेरे करने पड़ रहे हैं। मैं सुबह इसको वॉक पर लेके जा रहा हूँ, अच्छा वाला सो रहा था गाइस में, मम्मी ने उठा दिया, मम्मी ने बोला चल फटाफट जा चेस को घुमा के ला। अच्छा डेली बेसिस तो पापा सुबह सुबह इसको वॉक कराते हैं, तो मैं तो सो ही रहा होता हूँ यार। चलो चलते हैं इसको लेके। और क्या गाइस, सुबह सुबह इतनी गर्मी होगी ना, पता नहीं सकता आपको, इतनी धूप हो चुकी है सुबह 7 बजे के आसपास, क्या हालत हो रही है। और धूप भी ऐसी नहीं कि नॉर्मल, मतलब सुबह वाला टेम्परेचर नहीं हो रहा, गर्म हवा चल रही है सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। गेम ओवर गाइस आज का, मतलब चेस चल रहा है अपना फुल। तो गाइस उसको मैं खोल के नहीं लग जाता अभी, क्यों? क्योंकि यार हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा कुत्ते हो गए, तो पता है रोज़ ही नए कुत्ते हो जाते हैं, किस दिन कुछ अटैक अटैक करते हैं इस पर। ये भी कुत्तों को देख कैसे हो जाता है कि मार के मारेगा, ऐसा तो कुछ कर नहीं पाता बेचारा, लेकिन डर लगता है आजकल, तो इसलिए आजकल बांध के घुमाता हूँ यार। तो गाइस मैं अभी निकला हुआ था किसी काम से, और गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, इतनी ख़राब चीज़ दिखाने वाला हूँ आपको, इतना डेडली एक्सीडेंट गाइस मुझे अभी दिखा है। ये देखो, और ये रिसेंटली हुआ है, आज ही हुआ है गाइस, में कैसा लग रहा है ये आप देख सकते हो, किसी ट्रक से हुआ है गाइस यहाँ पे, क्योंकि सामान भी सारा बिखरा हुआ पड़ा है। और मुझे गाइस लगता नहीं है कि है ना जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बचा होगा, लिटरली बता रहा हूँ। अभी उसके पास भी जाके दिखाऊंगा, अभी ट्रैफिक आ रहा है बहुत ज़्यादा। ये देखो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे सब्जियाँ वब्जी सारी गिरी हुई है, तो किसी ना किसी गाड़ी से तो एक्सीडेंट हुआ ही है। ये देखो गाइस मैं आपको पास से जाके दिखा रहा हूँ, मतलब कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है गाइस, आप देख सकते हो गाड़ी मतलब बिल्कुल ही खराब खत्म हो चुकी है। और गाड़ी है गाइस ये ब्रेजा लग रही है शायद, हाँ ब्रेजा गाइस, देख रहा हूँ कितनी बुरी हालत में है, मतलब यार ये देख रहा हूँ लिटरली मतलब खत्म हो चुकी है यार। और मुझे लगता है पता नहीं कोई बचा होगा इसके अंदर, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल गेम ओवर हो चुका है यार। ये देखो ड्राइवर साइड वाला है ना सिस्टम, पूरा अंदर आ चुका, क्या हालत हो गई यार देख लो। तो यही रीज़न है गाइस, उल्टी सीधी हरकतों से ना बाहर जा दो, गाड़ी चलाओ हमेशा ढंग से चलाओ, क्योंकि ड्राइविंग करो थोड़े ध्यान से करो। अभी देख लो क्या हालत हो चुकी है इसके अंदर का, और दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब कोई अगर बैठा होगा ना इसके अंदर भाई, पता नहीं खड़ी गाड़ी में हुआ है क्या हुआ है यार, गेम ओवर है, मतलब लिटरली गेम ओवर है गाइस। ये देखो पीछे वाली सीट भी एकदम ही ख़त्म हो चुकी है, आगे से तो ख़त्म ही, गाड़ी मतलब एकदम कचरा बन चुकी है, देख लो इसको देख के क्या जैसा लग रहा है। और देखो ये देखो किसी की मतलब पैंट पड़ी है, 2004 था, पूरी खूनम खून है गाइस, ये पास से दिखाऊंगा, ये देखो कितनी खराब वाला तो रखे, गाड़ी का सामान सारा यहाँ पड़ा है, तो सैलेंसर तक निकल चुका है इसका, देख लो एकदम गेम ओवर। गाइस अभी 2-3 जने आ गए थे यहाँ पे, जब मेरे को वीडियो बनाते थे देखते हुए रुके थे, लोकल ही जने थे यहाँ के आसपास ही रहने वाले, तो उन्होंने बताया कि एक जना इसमें था, एक जना सामने वाली गाड़ी में था, सामने वाली गाड़ी वो थी जो कैंपर होती है ना, लोड बॉडी उसको बोलते हैं महिंद्रा की, वो थी। और एक्सीडेंट के बाद गाइस सामने वाला ड्राइवर और ये ड्राइवर दोनों ऑन स्पॉट डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए दोनों बंदे, तो मतलब देख लो गाइस इतना डेडली एक्सीडेंट था ना, मतलब आप मैं बता नहीं सकता, मतलब देखने में ही गाइस ऐसा लग रहा है कि मतलब इस एक्सीडेंट में बचने की मतलब है ना प्रोबेबिलिटी एकदम ही ख़त्म थी, इतना डेडली एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी मतलब बिल्कुल खत्म। तो सामने वाली गाड़ी तो गाइस जो थे वो जिस जो बंदे थे मतलब जिसकी गाड़ियाँ थी वो ले गए हैं शायद, ये पुलिस ले गई होगी पता नहीं भगवान जाने, तो ये वाली गाड़ी तो यहीं खड़ी है, मतलब इसका इतना ख़राब हालत है ना गाइस, इसका ना एग्जॉस्ट से लेके मतलब पीछे लगाओ तो एग्जॉस्ट से लेके वो भी निकल चुका है, और इंजन गाइस बाहर मतलब साइड में बड़ा पूरा इंजन, मैं सोच रहा हूँ कितना ज़्यादा इम्पैक्ट वाला एक्सीडेंट था, हाई इंटेंसिटी वाला। तो यही है गाइस देख लो, सड़क पर उल्टी सीधी हरकतें करने का नतीजा यही है, सुबह 4 बजे अंधेरे में एक्सीडेंट हुआ है। अब अपन ये तो बोल नहीं सकते कि ना
कोई दारू पी के चढ़ाता नहीं चढ़ता क्योंकि अपन को पता नहीं है, तो अपन बोल भी नहीं सकते इस बारे में। तो यही है कि भाई अगर सड़कों पर चल रहे हो, हाईवे पर चल रहे हो, तो पूरे ध्यान से चलो। ये तो ये देखो ऐसे ही है, तो होते हैं एग्जाम्पल जो लोगों को दिखते हैं, और ऐसी ऐसी गाड़ी होती है जो अपने आरटीओ और ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना, मतलब हाईवे के किनारे खंभा लगा के इनको टांग देते ना कि भाई लोग देखें इनको, देखो ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, लोगों के लिए एग्जाम्पल, लोग अवेयर हुए उससे कि उल्टी सीधी हरकत करोगे, ड्राइविंग उल्टी सीधी करोगे तो आपका यही होगा। तो वह सुबह सुबह ही मूड खराब हो गया। और देखो भैया खड़े इंडिया का फ्लैग लेके। तो भाई सुबह सुबह देखो मूड खराब हो गया, पता नहीं क्या दिख गया ऐसा यार, और मतलब जो मतलब ड्राइवर वालों से कपड़े वपड़े भी वहीं खुले हुए पड़े थे, खून में एकदम खराब सीन है। बस आज अपन ने यहाँ पे गाड़ी पहली लगा दी है, नहीं तो कोई बंदा पहली लगा देता है। आज अपन ने बाजी मार ली है, बस नहीं तो डेली बेसिस पे है ना मेरी ये शक्ल बुक हो जाती थी। आज मैंने लगा दी गाड़ी, आज अपनी पूरे दिन छाया में खड़ी रहेगी। और क्या शेंकी का अपडेट ये है कि क्या शेंकी पहुँच चुका था मुंबई, कल ही पहुँच गया था, और आज उसका है बास्केटबॉल मैच, तो आज उसके दोपहर से कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, शाम को उसका बास्केटबॉल मैच है। कल मैंने उसको वीडियो कॉल की थी तो अपना बीच वीच पे घूम रहा था, मस्त मज़े मार रहा था अपने दोस्तों के साथ। तो बस पहली बार ही मुंबई गया, उसने तो लाइफ में पहली बार ही है ना बीच छोड़ देखे, तो मैं कहा था फुल घूम घूम गया, फुल वड़ा पाव वड़ा पाव खाया, तो उसने कल मज़े मार रहे। और पापा का अपडेट ये है कि पापा पहुँच चुके हैं कल जयपुर से हरिद्वार, बाई कार रोड ट्रिप पर गए पापा दोस्तों के साथ, फुल मज़े मार रहे हैं वो भी। आज पापा को भी कॉल करेंगे, देखेंगे हरिद्वार का क्या सीन है। बाकी तो हरिद्वार में ऋषिकेश में बहुत भीड़ हो रही है यार, ऐसा मेरे सुनने में आया था, मेरे दोस्त गया था थोड़े दिन पहले, देखते हैं चलो जो भी। तो ठीक है, इस ब्लॉग को करते हैं एकदम। आई होप इस ब्लॉग को मज़ा आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिए और मज़े मारिए, ठीक है।